हेलो फ्रेंड्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, यह हमें बात पता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म जिनकी जिनका जो स्ट्रक्चर है उनकी उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है सेल्स। ठीक है, और इस सेल में सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो कि इस सेल को अलाइव रखती हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनमें होती हैं सारी लाइफ प्रोसेसेस। अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस वे प्रोसेसेस होती हैं जो कि सेल को लाइव रखती हैं। ठीक है, कौन सी प्रोसेसेस? जैसे कि रेस्पिरेशन। ठीक है, जब सेल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यह एनर्जी सेल में डिफरेंट अदर केमिकल एक्टिविटीज के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो दैट इज अ वन लाइफ प्रोसेस। ठीक है, और रेस्पिरेशन के पहले भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन इन सम फॉर्म। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म दे मेक देयर ओन न्यूट्रिशन लाइक प्लांट्स। ठीक है, वो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उन अपना न्यूट्रिशन दूसरे सोर्सेस से ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह न्यूट्रिशन लेता है और उस न्यूट्रिशन का उपयोग करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, एंड दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, ये दीज आर द मेन बेसिक यू नो इंपॉर्टेंट सेल्यूलर प्रोसेसेस जो कि सेल को अलाइव रखने के लिए जरूरी है। यदि ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगी किसी प्रकार से, यदि ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो द ऑर्गेनिज्म विल बी डेड। ठीक है, तो सेल क्या है? वह सेल जो है वह बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसमें की सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो कि सेल को अलाइव रखती हैं, एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि देखें तो इट इज ऑल्सो मेडअप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उनमें इस प्रकार की कोई प्रोसेसेस नहीं होती। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक डिफरेंस कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है, तो यदि एक बच्चे से पूछा जाएगा कि जो एक छोटा बच्चा जिसे लिविंग और नॉन लिविंग पता है, ठीक है, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा लिविंग नॉन लिविंग का? जो वन दैट कैन मूव इज लाइव एंड वन दैट कैन नॉट मूव इज अलाइव, बट दैट इज नॉट ओनली द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग में जो बेसिक डिफरेंस है वह है लाइफ प्रोसेसेस का। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल सेल से बना हुआ अमीबा भी लिविंग है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल में ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, तो एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो कि हमें लाइट माइक्रोस्कोप में ना दिखे वे भी लिविंग होते हैं, क्योंकि उनकी सेल में यह लाइफ प्रोसेसेस होती है। तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब यदि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि कितने देयर आर एन नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि हम तो एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म पर से बैक्टीरिया उसको भी काउंट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ऐसे कितने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वे लिविंग हैं। ठीक है, इसलिए यदि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी स्टार्ट करें, तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हम ले लें तो उसकी स्टडी में हमें बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, इफ वी डोंट नो द क्लासिफिकेशन। ठीक है, यदि आपको क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, डिविजन्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप कोई एक ऑर्गेनिज्म उठा ले, उसकी स्टडी करने में इट विल बी कैओटिक। ठीक है, इट विल बी हैफजार। ठीक है,
तो डाइवर्सिटी की वजह से जो डाइवर्सिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वह बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी किन किन चीजों में हो सकती है? डाइवर्सिटी होती है फॉर्म में, फंक्शंस में। फॉर्म्स मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो कोई तो एक सिर्फ सेल से बना हुआ है, तो कोई बहुत मल्टीपल सेल से बना हुआ है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन सिस्टम्स है, लाइक ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हम यदि हम एक अमीबा से कंपेयर करें तो वी आर यू नो बहुत गुना उससे जो है हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यदि डाइवर्सिटी देखा जाए तो स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी हमें दिखती है, स्ट्रक्चर में साइज एंड शेप में हमें डाइवर्सिटी दिखती है। किसी का साइज तो बहुत बड़ा है तो किसी का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। यदि बैक्टीरिया का बात करें तो वो बहुत स्मॉल है, जिसे कि हमें लाइट माइक्रोस्कोप और कई बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। यदि ठीक है, यदि किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें लाइक व्हेल की, तो व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार साइज एंड शेप में, ऑल द अमीबा इज ऑल्सो लिविंग, द व्हेल इज ऑल्सो लिविंग, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। साथ ही लाइफ स्पैन यदि देखा जाए, ठीक है, लाइफ स्पैन मतलब कि कितना जो है उसका लाइफ कितने समय तक रहती है, उसे कहते हैं लाइफ स्पैन। तो किसी की लाइफ स्पैन बहुत कम है, ठीक है, किसी की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, ठीक है। लाइक मी फ्लाई की यदि लाइफ स्पैन देखें तो इट इज जस्ट 1 डे। मॉस्किटोज की देखें लाइफ तो फ्यू डेज। हाउस फ्लाई की यदि देखें तो 4 डेज। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इतने वेरिएशन की वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन्हें क्लासिफाई किया, ठीक है, क्लासिफाई किया इन्हें डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट डिविजन्स में क्लासिफाइड किया। और उस क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या था? उस क्लासिफिकेशन का पर्पस था कि ठीक है, डिवीजन इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया। और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिकली हमने जब उन्हें डिवाइड किया तो वो हमारे लिए स्टडी में मोर कन्वीनियंट हुआ, और इसलिए इस ब्रांच को टैक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक्स कहते हैं, जिसमें कि हम क्लासिफिकेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वह स्टडी करते हैं। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें कि हम क्लासिफिकेशन उनका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस जो ब्रांच है, किस किस क्लास में, किस ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, डिवाइड किया गया है, यह कहलाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की यदि हम हिस्ट्री देखें, ठीक है, तो यदि हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले एरिस्टोटल, जिन्हें कि फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, ही इज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था किसका? एनिमल्स का। और इन्होंने एनिमल को दो ग्रुप्स में बांटा था, ठीक है, टू ग्रुप्स, टू डिविजन्स इन्होंने दिए थे। फर्स्ट था
एनिमल्स दैट कैन फ्लाई एंड एनिमल्स दैट कैन नॉट फ्लाई. ठीक है, एनिमल्स दैट कैन नॉट फ्लाई में फर्दर टू डिविजन था, एनिमल्स ऑन लैंड जो कि लैंड पर रहते हैं और एनिमल्स इन वाटर. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दो डिवीजन बनाए. ठीक है, और उसमें एनिमल्स को डिवाइड किया, एक तो वह जो कि फ्लाई कर सकते हैं, दूसरे एनिमल्स वह जो कि फ्लाई नहीं कर सकते और जो या तो लैंड पे रहते हैं या वाटर में रहते हैं. ठीक है, तो इट वॉज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन डन बाय द एरिस्टोटल, बट इट वॉज इन इफिशियंट. क्यों? क्योंकि इसकी कुछ जो ड्रॉबैक्स थे वह क्या थे. ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स यह थे कि इट वॉज ऑल दो सिंपल, सिंपल क्लासिफिकेशन किया था. ठीक है, बट इट वॉज आर्बिट्री, कोई साइंटिफिक अप्रोच इसमें नहीं उन्होंने यूज की. ठीक है, दूसरा, कुछ एनिमल्स जिनके की स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है उन सभी को एक में उन्होंने रख दिया. लाइक यदि हम देखें कि कौन कौन से एनिमल्स फ्लाई करते हैं, तो बटरफ्लाइज फ्लाई कर सकती हैं, ठीक है, मॉस्किटोज फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, साथ ही बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं, बैट्स फ्लाई कर सकती हैं, लेकिन यदि उनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर हैविंग वेरी वेरिएशंस. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सिमिलर स्ट्रक्चर के, डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिज्म को एक ही क्लासिफिकेशन में डाल दिया, जबकि देयर आर बिग डिफरेंसेस बिटवीन देम. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पुट इन सेम ग्रुप. क्या किया कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑर्गेनिज्म को तो सेम ग्रुप में डाल दिया, जबकि ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पुट इन डिफरेंट ग्रुप. ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स दैट कैन फ्लाई में ऐसे ऑर्गेनिज्म थे बहुत सारे जो कि काफी सारे स्ट्रक्चर में डिफरेंट थे. ठीक है, जबकि एनिमल्स दैट कैन फ्लाई और कैन नॉट फ्लाई में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर थे लेकिन उन्हें अलग ग्रुप में रख दिया. ठीक है, इसी प्रकार एनिमल ऑन लैंड एंड एनिमल इन वाटर जो डिवीजन था उसमें यदि देखा जाए तो वाटर में जो एनिमल्स थे उन्होंने सबको एक ग्रुप में रख दिया, जबकि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ व्हेल एंड बिटवीन अ कटल फिश और से जेली फिश. ठीक है, तो इस प्रकार एक जेली फिश में और एक व्हेल में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज उनका एनवायरमेंट सेम है उन्हें उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप में रख दिया. तो देयर वॉज सम डिमेरिट्स ऑफ यू नो क्लासिफिकेशन, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही हैज इनिशिएटेड द क्लासिफिकेशन. और यहां से जो सिस्टमेटिक्स है, जो टैक्सोनॉमी है, उसकी एटलीस्ट इनिशिएट हुआ, स्टार्टिंग हुई. ठीक है, लेटर ऑन जो डिविजन्स है वो हम देखेंगे कि नाउ अ डेज वॉट इज द जो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वह क्या है वह हम देखते हैं. ठीक है, अब यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है, वॉट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है एंड हाउ इट बिहेव. तो दो चीजें, ठीक है, इन्हें कहा जाता है फॉर्म दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट इज द बिहेवियर.
और इन बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है वह किया जाता है। लाइक यदि हम एरिस्टोटल का देखें क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया कि वन वन दैट कैन फ्लाई एंड वन दैट कैन नॉट फ्लाई। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करेक्टरिस्टिक लिया? द बिहेवियर, ठीक है। और स्ट्रक्चर को उन्होंने कंप्लीटली क्या किया? एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ करेक्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। फीचर्स में एक तो स्ट्रक्चर फीचर, जो फिजिकल फीचर्स हैं वो, और दूसरा उनका फंक्शन, उनका बिहेवियर, उनका एनवायरनमेंट के लिए किस प्रकार उनका एनवायरनमेंट रहता है, किस प्रकार उसका बिहेवियर रहता है। तो ऑन दिस बेसिस उन्होंने क्लासिफाई जो है हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द वन बेसिस ऑफ यू नो क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल सी द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से हम डिविजन करते हैं, कैसे फीचर्स लेते हैं, ठीक है। हायरार्कियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, यह सब हम देखते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द व्हाट इज द क्राइटेरिया, प्रिंसिपल क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, एंड देन वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट हायरार्कियल क्लासिफिकेशन बेसिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, किस क्या प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम यूज करेंगे एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो एक प्लांट हो सकता है, वो एक फंगाई हो सकता है, वो एक बैक्टीरिया हो सकता है, वो एक प्रोटिस्ट हो सकता है, ठीक है, वो एक एनिमल हो सकता है। तो जब कोई एक आप ऑर्गेनिज्म लें और उसको क्लासिफाई करें, तो क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो सबसे पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक लिए जाते हैं फॉर फॉर्मिंग मेजर डिविजन, ठीक है, फॉर ब्रॉडेस्ट डिविजन। ब्रॉडेस्ट डिविजन के लिए हम क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी नो देखिए प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसके अलावा मोनेरा, फंगाइज भी होते हैं और प्रोटिस्ट होते हैं। तो वी नो नाउ दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वेरी वेल। तो यदि आप एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, तो सबसे उसका पहले क्या करेंगे? ब्रॉड डिविजन करेंगे कि वो एक प्लांट है, कि वो एक एनिमल है, या वो एक प्रोटिस्ट है, या वो एक मोनेरा है, या वो एक फंगाई है। तो ये क्या हुआ? ब्रॉडेस्ट डिविजन। जब आप एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले उसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं जिनके बेसिस पे आप उसका ब्रॉडेस्ट डिविजन करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर टू बी टेकन फॉर फर्दर डिविजन, फॉर सब डिविजन, ठीक है। सब डिविजन करने के लिए उसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम जानते हैं कि एनिमल्स में भी डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एनिमल्स जो है वो इंसेक्ट्स में आते हैं, ठीक है, ऑर्थोप्रोड्स डिविजन में आते हैं, तो कुछ जो है वो फर्दर कॉर्डेट डिविजन में आते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है? फर्दर सब डिविजन है। किसका? ब्रॉडेस्ट डिविजन का। तो उसके लिए हम नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, ठीक है। फॉर फर्दर डिविजन एवरी टाइम न्यू सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हैज टू बी टेकन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, तो जो बटरफ्लाइज हैं वो किस में आती हैं? वो ऑर्थोप्रोडा फाइलम में आती हैं, जो कि किसका सब डिविजन है?
एनिमल किंगडम का सब डिविजन है। तो एनिमल किंगडम में ऑर्थोपोडा फाइलम में यदि हम एक बटरफ्लाई को करते हैं तो वो फर्दर उसका डिविजन होता है इंसेक्ट, जिसमें कि बटरफ्लाइज आती हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ब्रॉड डिविजन कर रहे हैं कि ये एनिमल है या प्लांट है, किस बेसिस पर हम उन्हें करते हैं, ये हमें कब पता चलेगा, जब हम आगे देखेंगे कि भाई मोनेरा किंगडम के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, प्लांट किंगडम के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, एनिमल किंगडम के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। जब हमें यह पता चल जाएगा तो हमारे लिए यह आसान होगा, यदि आप किसी ऑर्गेनिज्म को देना चाहे, क्लासिफिकेशन करना चाहे, तो ब्रॉडेस्ट डिविजन में आप उसे किस डिविजन में रखेंगे, इसके लिए आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स जानना जरूरी है, जो कि हम आगे के जो है वीडियोस में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले आप ब्रॉड डिविजन करते हैं, फिर सब डिविजन करते हैं, एंड फॉर फर्दर डिविजन ऑफकोर्स फर्दर डिविजन भी होते हैं, और उसके लिए एवरी टाइम आप नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर उसे डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअली प्रिंसिपल क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाउ ऑन इस प्रकार से यदि आपको ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता हो, लाइक आपको पता हो कि एनिमल किंगडम के लिए आप कौन से कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, तो आप एक बटरफ्लाई को एनिमल किंगडम में डाल सकते हैं। ठीक है, देन आपको पता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्टा जो फाइलम का क्लास होती है, तो क्लास इंसेक्टा के लिए आप क्या लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार फर्दर डिविजन्स के यदि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो तो आप एक ऑर्गेनिज्म को इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। यह क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि इतने जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, सब के सब क्लासिफाई नहीं है। ठीक है, उसमें से बहुत कम है जो क्लासिफाई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि ऐसे एरियाज में हैं जहाँ पे हमारा पहुँचना भी जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एवरी टाइम इफ यू गेट ऑर्गेनिज्म यू वॉन्ट टू नो विच ग्रुप ही शुड कम, इट शुड कम, तो You must know the, you know, basis of classification. You must know the characteristic feature of all the kingdom. You must know the features of their subdivision. You must know the features of their subdivision. ठीक है, तो इस प्रकार से if you know all these things, you can easily classify an organism. ठीक है, तो एक biologist को यदि आप in future एक biologist या zoologist बनना चाहते हैं या botanist बनना चाहते हैं, तो यहीं पे आपकी जो foundation है उसके लिए है in the 9th and 10th class. ठीक है, these are the foundations. यदि यहाँ पर clear होंगे then it will be more clear in further classes. ठीक है, तो this is the criteria for classification. Now we'll see the hierarchical classification. ठीक है, इस प्रकार से जब हम ऑर्डरली वे में क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो इसे कहा जाता है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, एक क्लास जो है एक ऑर्डर में उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरीज of order in logical sequence. ठीक है, जब हम सीक्वेंस में उसे, ठीक है, लॉजिकल सिक्वेंशियल ऑर्डर में जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, तो उसे कहेंगे हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि यदि एक बटरफ्लाई को हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो एनिमल किंगडम में आ रही है वो, उसका ब्रॉड डिविजन, फिर फाइलम ऑर्थोपोडा में आती है, फिर इंसेक्टा में आती है, क्लास इंसेक्टा। तो इस प्रकार और भी फर्दर डिवीजन होते हैं, ठीक है, जो कि दैट मस्ट बी आउट ऑफ योर कोर्स। तो इंसेक्टा के भी पर्टिकुलर ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो फर्दर जो है इसमें ऑर्डर में डिवीजन होता है। ठीक है, यह जो डिफरेंट ऑर्डर होते हैं वह हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक है, कौन कौन सा जो है सब डिविजन हम फॉर्म करते जाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया एक किंगडम, ठीक है, यह हो गया फाइलम, यह हो गई क्लास,
ठीक है, तो इस प्रकार जो है ब्रॉडेस्ट डिवीजन करते हैं, देन फर्दर जो है हम उसके सब डिवीजन करते जाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, हम एक लॉजिकल सीक्वेंस बना रहे हैं। व्हाई लॉजिकल? बिकॉज हम एक साइंटिफिकली जो है प्रोसेस के थ्रू हम उसे कर रहे हैं। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं कि किस बेसिस पर ऑर्थोपोडा जो है, ऑर्थोपोडा के क्या फीचर्स है। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा के जो फीचर्स है, एक्सोस्केलेटन उसमें पाया जाता है। ठीक है, साथ ही उसमें जो लेग्स हैं, स्पेशली जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एनिमल किंगडम में फाइलम ऑर्थोपोडा के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस बेसिस पर हम बटरफ्लाई को ऑर्थोपोडा में डाल रहे हैं। उसी के बाद इंसेक्टा के कुछ पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक फीचर्स है कि जिन बेसिस पर हम बटरफ्लाई को इंसेक्टा ग्रुप में डाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसका, हम एक लॉजिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर बना रहे हैं, और इस लॉजिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर को हम कहते हैं हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यह तो जो मैं आपको बता रही हूँ, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत हम इस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, कुछ दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिस बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? फॉर हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, क्या हम क्लासिफिकेशन के लिए फीचर्स लेते हैं, हम यहां पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम दो डिवीजन में ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं। एक है यूकैरियोट्स और एक है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो सेल्स हैं, सेल में जो न्यूक्लियस है वह ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, नो ट्रू न्यूक्लियस, और माइटोकॉन्ड्रिया और गॉल्जी बॉडी, ठीक है, ये नहीं होता किसमें, प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स जो है ट्रू न्यूक्लियस इसमें होता है। ठीक है, विद ऑल द अदर सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स होते हैं, हमें पता है क्योंकि जब हमने सेल पढ़ा तो सेल में हमने देखा था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोट्स एक्चुअली बहुत प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं, और इन प्रोकैरियोट्स में जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है डज नॉट बाउंडेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम उसे ट्रू न्यूक्लियस नहीं मानते और उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी जैसे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स भी इनमें नहीं होते प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में एक तो ट्रू न्यूक्लियस होता है और साथ ही डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जब यूकैरियोट्स में ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं तो इट मेक्स द सेल्यूलर प्रोसेस मोर इफिशियंट। ठीक है, क्योंकि जब हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ठीक है, तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं यह यूकैरियोटिक सेल्स को मोर इफिशियंट बनाते हैं। ठीक है, तो इट मेक्स मोर इफिशियंट सेल्यूलर प्रोसेसेस। ठीक है, तो सेल बेसिस, ये सेल स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक कैरेक्टराइज्ड हो गया, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जिसकी बेसिस पर हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो बेसिस है वह है सेल नंबर, या इसे कहें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्सली फॉर्म हुई है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, इस बेसिस पर हम दो डिवीजन इसके करते हैं। एक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विच आर मेडअप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल, ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर जो है दे आर फॉर्मड ऑफ मल्टीपल सेल, और जब ये वो मल्टीपल सेल से फॉर्म होते हैं तो इनकी बॉडी मोर कॉम्प्लेक्स होती जाती है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी, इस मल्टी सेल्यूलरिटी की वजह से जो बॉडी है वो मोर कॉम्प्लेक्सली फंक्शन करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी। थर्ड जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वह है ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, किस मोड से न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिज्म, उस बेसिस पर दो डिवीजन है उसके, एक है ऑटोट्रॉफ और एक है हेटरोट्रॉफ। ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफ मीन्स वे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद से प्राप्त करते हैं, खुद बनाते हैं, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें कौन आते हैं, प्लांट्स, क्यों, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। कुछ ब्लू ग्रीन जो है साइनोबैक्टीरिया और जो है वो भी इसमें आते हैं कुछ बैक्टीरियाज, बिकॉज वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं या कीमोसिंथेटिक होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो ऑटोट्रॉफ मीन्स विच बिल्ड देयर न्यूट्रिशन ऑन देयर ओन, ठीक है, जिस प्रकार प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। यही कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जो प्लांट है उसके सारे पार्ट करते हैं, उसकी सारी सेल्स करती हैं टू ऑब्टेन द एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो यह होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जबकि दूसरा मोड होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो जब सोर्स डिफरेंट हो, कहीं और से प्राप्त किया जाए जो न्यूट्रिशन है, तो उसे कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें एनिमल्स आते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंगाई आते हैं, ठीक है, फंगाई आर एब्जॉर्प्टिव इन न्यूट्रिशन, वो एब्जॉर्ब करते हैं दूसरे जो है फूड बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनका जो है एब्जॉर्प्टिव होता है, तो दे ऑल्सो कम इन द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस प्रकार हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ, ये दो डिविजन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशन। द थर्ड जो मोड है, सॉरी थर्ड जो क्लासिफिकेशन है कैरेक्टरिस्टिक बेसिस का, वह है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। यहां मैं लिख रही हूं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, अब पहले हमें क्या पता था कि जो सारी स्पीशीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की वह जो है ए म्यूटोजेनिक है, दैट मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, वह वैसी की वैसी रहती हैं साल दर साल। लेकिन नाउ वी नो कि जो स्पीशीज हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, और समटाइम तो ऐसा होता है कि एक स्पीशीज से जो है डिफरेंट बहुत अदर स्पीशीज फॉर्म होती हैं जस्ट बिकॉज दे गोन इनटू द डिफरेंट एनवायरमेंट एंड दे adapted some new characteristic and some new structure, and because of they completely different from their ancestral species and they become completely different, ठीक है। तो इस प्रकार हमें पता है कि evolution की वजह से, changes की वजह से एक species से over the period of time दूसरी species form हो सकती है, ठीक है। तो जब यह study की जाती है, जब ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है एक्सटर्नल और इंटरनल, तब उनसे हमें पता चलता है कि बहुत सारी जो स्पीशीज हैं उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सिमिलर हैं।
तो इस बेसिस पर, इवोल्यूशनरी बेसिस पर, जब हम उनका रिलेटेड जो है कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं और उस बेसिस पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, विच इज बेसिस ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इट इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्लासिफिकेशन में जो है हम क्या करते हैं, यह स्टडी करते हैं कि कौन से स्पीशीज जो है किस प्रीवियस स्पीशीज से डेवलप्ड हुई है, और इस प्रकार हम उसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाउ वी विल सी द इवोल्यूशनर का, इवोल्यूशन का क्या रोल है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से हमें समझ में आ गया कि इट ऑल्सो प्ले सम रोल इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, क्या उन दोनों का रिलेशन है। तो इट विल बी मोर क्लियर टू इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज अबाउट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो इन द नेक्स्ट टॉपिक इट विल बी क्लियर।